ये खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां पर पुलिस कस्टडी में एक युवक की हालत बिगड़ने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आनन फानन में परिजनों को सुपुर्द किया है। युवक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत होने का मामला भी सामने आया है। परिजनों ने पुलिस कस्टडी में मौत का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करने की बात कही है। ब्रेन हेमरेज से युवक की मौत होने की पुष्टि हुई है। 6 जुआरियों को दरअसल पुलिस पकड़ के लाई थी और उन्हीं में से एक व्यक्ति ये था जिसकी मौत हो गई है। ये भी बताया जा रहा है कि युवक को थाने में पानी नहीं दिया गया, ये आरोप परिजन लगा रहे हैं। इधर पुलिस का ये कहना है कि पुलिस की कस्टडी में किसी भी तरीके से कोई मौत नहीं हुई है। ये पूरा मामला दौराला के थाना मटोर गांव का बताया जा रहा है। ये मेरे पापा के साथ घटना हुई है। क्या नाम है? प्रदीप। कहाँ के रहने वाले हैं? मटोर। क्या घटना हुई है? ये असल में जुआ चल रहा होगा गाँव में कहीं से, तो उधर जाली हो गई है, खड्ड हो गए। फिर पुलिस वाले आए और उठा के ले गए, ले जाके इन्होंने थाने में घेर दिया। थाने में गए थे, मैं जिस टाइम पर गया ना वहाँ पर सही सलामत ले गए वहाँ पर, वो जिस टाइम में गया उस टाइम पे मुझे ऐसे हालत मिले ना, ये उठने के ना बैठने के बिल्कुल भी। फिर इन्होंने ना पानी पिलाया, इनकी जीप बैठती थी कि ना पानी भी नहीं पिलाया पूरे थाने में से, गलत बात नहीं है कि इनकी। तो क्या क्या बताया, क्या लग, क्या हुआ आपके पापा को? मेरे पापा के दिमाग की ना फट गई थी बी पी आई से। फिर जब मैं थाने पहुँचा तो मैंने देखा मेरे पिताजी नीचे पड़े थे लेते जाए, और ये जो पुलिस वाले थे ऐटे उठ के बोल रहे थे, इन्होंने छेड़ा तो है नहीं बिल्कुल भी, बस ऐट उठ के बोले और नुकाय से ठाके ले जाओ यहाँ से। मेरठ से मनोज मिश्रा, टीम एन भारत।